तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग इसका वर्नी स्टाइल, पहले हमने कचनी कर लिया है एंड नाउ हम लोग इसका वर्नी स्टाइल अभी करेंगे। इसके ट्रीज को क्या एक एक पार्ट को हम लोग इसको फिल करेंगे ब्राउन कलर से। तो हम लोग डायरेक्ट कलर से फिल करेंगे, डायरेक्ट को वाटर में थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो हमें ओल्ड क्लॉथ की जरूरत होगी फॉर वाइपिंग द ब्रश, एंड राउंड ब्रश की हमें जरूरत है। आज हम लोग राउंड ब्रश लेंगे एंड राउंड ब्रश और क्लॉथ लेंगे, एक ओल्ड क्लॉथ लेंगे जिसमें हम लोग इसको पोंछ दें, साफ कर दें ब्रश को क्लीन करने के लिए। और हम लोग प्लेट लेंगे, तो पैलेट में जैसे हम कलर मैं ले रही हूँ ब्राउन कलर, तो मैं ब्राउन कलर ले रही हूँ। तो मैं डायरेक्ट ही बॉन्ड सियाना इसको बोला जाता है, मैं डायरेक्ट ही ये कलर ले रही हूँ। इसमें क्यों कोई भी अदर कलर मर्ज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस कलर को हम लोग थोड़ा सा वाटर डालेंगे। तो दूसरे ब्रश के हेल्प से हम लोग थोड़ा सा वाटर इसमें पुट करेंगे एंड एक दो ड्रॉप वाटर डाल करके इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम लोग इसको फिल मिलाने के बाद हम लोग अगर हमें थिन लग रहा है तो थोड़ा और वाटर एड ऑन करेंगे एंड उसके बाद हम लोग इसका फिलिंग करेंगे। तो अब मैं कलरिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप लोगों को आई थिंक इट इज विजिबल। मैं स्टार्ट करूंगी अभी कलरिंग इसको। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, हम लोग नीचे से इस पार्ट से स्टार्ट करेंगे कलरिंग करना। बहुत आराम आराम से हमें कलर करना है, जितना ये पार्ट है हमने डबल लाइन किया है। इसकी ब्यूटी वही है, डबल लाइन से हमारी डिमार्केशन क्लियर होती है। तो बहुत ही ध्यान से हमें करना है, बहुत जल्द हरी करेंगे तो हमारा पूरा पेंटिंग स्पॉयल हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से इसको एक एक गैप को हम लोग फिल करते जाएंगे ट्रीज के। तो मधुबनी पेंटिंग में वही है, बहुत पेशेंस रखने की जरूरत होती है और पेशेंस के बाद हम लोग आराम आराम से पेंटिंग जैसे बनाते जाएंगे, एक 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 करके फिल करते जाएंगे, तो इसकी जो ब्यूटी है वो एनहांस होती है उससे ही। और डिमार्केशन क्योंकि लाइन से हमने किया है, क्योंकि यहाँ पे शेड्स जनरली क्या होता है, दूसरे पेंटिंग्स में हम शेड्स से डिमार्केशन शो करते हैं। कोई भी लाइन जैसे एक दूसरे के बीच का जो बिटवीन लाइन है उसको हम लोग डिमार्केशंस को हम लोग शो करते हैं विथ शेडिंग्स। एंड इसमें हम शेडिंग्स नहीं करेंगे, हम इसमें कलरिंग जो कर रहे हैं इसी से हमारा शेड तैयार हो रहा है और हम लोग इसको फिल करते जा रहे हैं एक एक गैप को। आई थिंक आप लोगों को विजुअल होगा व्हाट वी आर डूइंग। तो हम लोग ये वर्नी वर्क कर रहे हैं राधा कृष्णा, और इसमें जो ट्री है उसको हम लोग कई एक तरीके से ट्री बनता है, ये एक मेथड है इसके गैप को फिल करने का।
और पूरा ट्री का जो ये पार्ट है इसको हम लोग ऐसे फिल करते जाएंगे, और फिर आगे हम लोग दूसरा कुछ जगहों पे पहले से पहले कलर फिल करते हैं, एंड देन इसमें चूंकि व्हाइट हमें शो करना बहुत जरूरी है तो इसमें हम लोग कलर को पहले नहीं डाल करके पहले हमने कचनी स्टाइल से जो हमारा पैटर्न है उसको हमने तैयार किया है, एंड नाउ हम लोग एक एक कैप को ऐसे फिल करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और सुचित्रा आप ट्री वाले पार्ट को पहले आप कचनी स्टाइल कर लीजिए एंड देन फिर ये फिलिंग वाला हम लोग करेंगे। तो कचनी इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस, तो ड्राइंग को फॉलो करके, एंड आप लोग सबको समझ में आ रहा होगा। किसी के मन में कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेरी होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं बेझिझक। तो कलर जो हम बनाते हैं उसमें बहुत ज्यादा हम पानी नहीं डालेंगे, हम डाइल्यूट करेंगे थोड़ा, उसका थिकनेस को कम करेंगे। बहुत टू मच वाटर डालेंगे तो फिर वाटरी वाटरी हो जाएगा और वो थिन हो जाएगा, और फिर हमें उतना थिन कलर नहीं चाहिए, तो इसलिए हम लोग इस कलर में और अगर किसी के पास ये कलर नहीं है तो ये कलर बनता है रेड येलो और थोड़ा सा उसमें ब्लैक डालेंगे तो ये कलर बनेगा, तीनों के कॉम्बिनेशन में ये कलर बन जाता है। तो जो कलर बनाने का भी मेथड है वो भी हमें आना चाहिए कि बाय चांस हमारे पास ये कलर नहीं है तो फिर व्हाट वी विल डू ना, तो ये भी है कलर को बनाने आना जो बहुत जरूरी है। अब हम लोग ये एक एक चीजों को ऐसे बनाते जा रहे हैं और इसकी ब्यूटी एनहांस होकर के आएगी जब हमारा फिनिश होगा पेंटिंग। तो मधुबनी आर्ट आज वर्ल्ड फ्रेम में इसकी वैल्यू है लोगों के बीच में, क्योंकि ये फोक आर्ट है तो दिस इज वेरी रिस्पेक्टफुल इन अदर कंट्रीज, एंड हम लोगों का हमारे कंट्री का हमारे देश का और मिथिला का दिस इज धरोहर है, और आज पूरे वर्ल्ड वाइज में इसकी वैल्यू है। जब ये शुरू शुरू में लोग अपने वॉल पे बनाया करते थे मड से एंड काउ डंग एंड नेचुरल कलर से बनाया करते थे पेंटिंग्स, तो तब कोई ये हमारे कंट्री पे देश देश पे दूसरे दूसरे ये कॉलोनियन ये था हमारा उनका अधिकार था अधिपत्य था, तब उन लोगों में से किसी ने दीवार पे ऐसे बना हुआ ड्राइंग देखा था और वो फोटो खींच करके और वो काफी इम्प्रेस हुए थे कि ये क्या है और इस आर्ट के बारे में फिर उन्होंने पता करा, और तब से भी मधुबनी आर्ट को बहुत फेमस और बहुत उपाधि मिली है। तो मधुबनी आर्ट अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल आर्ट माना जाता है, एंड इसकी ब्यूटी ये है कि ये कॉपी भी नहीं हो सकता है, मतलब हर कोई अपना अपना इनहेरेंट डिजाइन अपने स्किल के अकॉर्डिंग इसको पैटर्न दे सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, तो क्या होगा सिमिलरिटीज नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग राधा कृष्ण बना रहे हैं बट अंदर का जो पैटर्न होगा ज्वेलरी का जो पैटर्न होगा हम चेंज कर सकते हैं, हम कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, विच कलर यू लाइक तो वो कलर को हम लोग चेंज कर देंगे। तो ये एक बहुत जरूरी है हमें, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये कलर नहीं है तो हम नहीं करेंगे, जो अवेलेबल कलर है हम इसको ब्राइट कलर का लुक देंगे तो हम ऑरेंज एंड ऑरेंज कलर का भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम ब्राउन दें, अगर ब्राउन है तो बहुत अच्छी बात है, लीफ का कलर ग्रीन होगा तो हम लोग ग्रीन यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको इसके इस पैटर्न को हम लोग फिल करते जाएंगे, एंड उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का स्टेप होगा अंदर का, फिर हम लोग लेंगे इसका जो बेस है उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी बहुत जरूरी है, एक अलग ही ब्यूटीफुल लुक उभर करके आएगा जब ये पेंटिंग बनेगी। तो
मधुबनी पेंटिंग इज ऑल्सो माई वन ऑफ द फेवरेट पेंटिंग। मैं जितने आर्ट फॉर्म करती हूँ उसमें मुझे मधुबनी पेंटिंग भी बहुत पसंद है। एंड मधुबनी पेंटिंग की ही को सिस्टर्स बोला जाता है मंडाला आर्ट, हमारे इन्हीं सारी चीजों से बनता है मंडाला आर्ट। तो बस डिफरेंस है कि उसमें ज्यादातर ब्लैक एंड कचनी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। तो मैं वो भी आप लोगों को एक दो इंट्रोड्यूस करूंगी। और एक और चीज मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ कि हम एक्चुअली आई एम GPIF की प्लेटफॉर्म, मैं GP माई ट्रेड है, मैं WWD के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ, लेकिन हम लोग अपना अलग GPIF का हमारा स्टार्ट होने वाला है होगा। तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहेंगे तो आप उसमें भी आ सकते हैं, तो वो मैं बात कर लूंगी आप लोगों से पर्सनली। You all can contact me, or then तो ये ड्रेस पे भी मैंने एक किया है, मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगी। मेरा सिल्क ड्रेस है उस पे मैंने किया है मधुबनी, तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। इतनी खूबसूरत इसका ब्यूटी है और इतनी एक्सपेंसिव मार्केट में आती है ये एक एक ड्राइंग बना हुआ। तो आपके पास जैसे कोई भी कपड़ा है, ड्रेस है, तो आप उस पे भी एक एक ड्राइंग को ले सकते हैं। बस यही है कि हमारे पास जो कलर है इसमें वाटर से हम इस पे कर रहे हैं, एंड जब हम क्लोथ पे करेंगे तो हम वहां पे अब जैसे ये जो मैं ड्राइंग बना रही हूँ, इस पूरे ड्राइंग को हम अपने आंचल पे ले सकते हैं, एंड फिर हम इसका रू जैसे कमल का फूल है उसको मैं पूरे पे ले सकती हूँ। तो इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं, या फिश को और पिकॉक को पूरे ड्राइंग पे भी लिया जा सकता है। तो इस तरीके से पैटर्न को डिवाइड किया जाता है एंड ड्रेस के ऊपर चॉइस अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस What we want, उतना ही हम लोग यूज करेंगे। और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये ड्रेस पे। तो हम लोग अभी ट्री का पहले हमने पैटर्न ड्रॉ किया था सेमी सर्कल, एंड उसके बाद मैं उसको कलर से ब्राउन कलर से फिल कर रही हूँ। तो मैंने डायरेक्टली ब्राउन कलर लिया क्योंकि मेरे पास है। तो अगर आप लोगों के पास ये कलर नहीं है तो आप बना सकते हैं। और ये कलर बनाने के लिए हमें हमारे पास ऑरेंज होगा, ऑरेंज येलो एंड रेड को मिक्स करके ऑरेंज बनेगा, एंड विल पुट ब्लैक कलर। तो हम थोड़ा थोड़ा मिला करके देखेंगे कि कलर जो चाहिए वो आ रहा है कि नहीं। तो डार्कर सेट के लिए अगर ब्लैक बहुत ज्यादा ऐसे ध्यान से करना होता है, ऐसे नहीं कि बस ब्लाइंडली ढेर सारा कलर, थोड़ा सा कलर एक हम बना के देखेंगे, क्वांटिटी हम देखेंगे कि कितना हमें चाहिए, उतना के अकॉर्डिंग हम कलर को तैयार करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो क्या होगा, ड्रॉइंग कलर बनाते बनाते आपको तीन बेसिक कलर होता है जो कि रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ये तीन रेड ब्लू एंड येलो सॉरी। तो आप लोग नोट भी करते जाएंगे साथ साथ, थ्री बेसिक कलर्स होते हैं रेड ब्लू एंड येलो। और अब तीनों येलो तीनों कलर का को, जैसे कि येलो रेड एंड येलो को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारा ऑरेंज कलर बन करके तैयार होकर के आएगा। अब हम येलो एंड ब्लू को मिक्स करेंगे, देन विल मेक अ ग्रीन कलर, हमारा ग्रीन कलर तैयार होकर के आ जाएगा। जब हम रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो हमारा ब्राउन कलर और डार्क कलर भी उभर करके आएगा। और फिर इन दोनों के बीच का कलर, जैसे कि हमने ऑरेंज और ये रेड मिलाया और उसका अपोजिट कलर अगर किसी के पास ब्लू है, अगर ब्लू को मिक्स करेंगे तो ये जो मैं अभी कलर कर रही हूँ ना, ये मडी कलर आ जाएगा हमारे पास तैयार होकर के। तो अपोजिट कलर को मिलाते हैं और तो उसका कलर की इंटेंसिटी को कम करते हैं। अपोजिट जैसे रेड और येलो का अपोजिट कलर होगा ब्लू,
अब ब्लू एंड येलो का अपोजिट कलर होगा रेड, एंड रेड और ब्लू का अपोजिट कलर होगा येलो। तो ऐसे हम लोग कलर को डिसाइड करते हैं। तो हम लोग एक कलर चार्ट बनाते हैं, मैं एक दिन आप लोगों को कलर चार्ट बनाना भी बताऊंगी, तो आप लोगों को वो एक आपको हेल्प करेगा कलर बनाने में, एंड किस किस कलर को मिला के कौन कौन सा कलर बनता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, एंड मेथड भी बताऊंगी कैसे आप लोग कलर व्हील बनाएंगे सारे सारे कलर को मिला के। जो चार्ट आता है छोटे छोटे चार्ट का एक पैकेट आता है वो हम लेंगे और एक सर्कल में हम लोग चार्ट पेपर को काटेंगे और उस पे हम लोग सारे को पेस्ट करेंगे शेड्स को बैक टू बैक, एंड उसके बाद हम लोग उसको, तो अभी हमारा ट्री का पार्ट फिलिंग कंप्लीट हो रहा है। जो लोग साथ में बना रहे होंगे दैट इज गुड, जो नहीं भी बना रहे होंगे इट विल हेल्प यू टू, वी हैव अ रिकॉर्डिंग एंड विल मेड आफ्टर दैट। तो वो और साथ साथ आप लोग को मैं फोटो भी खींच करके डाल दूंगी, तो आप उसको बनाने के लिए आपको कंफर्टेबल होगा। कृष्णा जो हमने बनाए हैं ऊपर, हमने 1 से 1.5 इंच का गैप छोड़ा है पेपर को, वर्टिकली लिया है हॉरिजॉन्टल, एंड ऊपर गैप छोड़ने के बाद हमने पहले कृष्णा का मुकुट से स्टार्ट करा, मुकुट के बाद उनका हेयर बनाई, हेयर के बाद आगे का हमने पैटर्न को लिया है। तो दिस इज प्रोपोर्शन। मैं एक और मेथड भी बता दूंगी कुछ भी फिगर बनाने के लिए, तो बहुत ही इजी होगा। हम लोग लाइन से भी फिगर को बनाएंगे और फिर उसको डबल लाइन करेंगे, तो वो भी एक टेक्निक है जो कि मैं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि यू ऑल आर फार फ्रॉम मी, तो मैं इजी मेथड बताती जाऊंगी सो दैट आप लोग कर पाओ। मधुबनी आर्ट अपने आप में बहुत ही खूबसूरत आर्ट माना जाता है, ये फोक आर्ट है मिथिला का, और यहाँ पे 2 पैटर्न चलता है, कचनी एंड भरनी। तो हम लोग दोनों कॉम्बिनेशन से भी बनता है और इंडिविजुअली बनता है, सिर्फ कचनी वर्क भी होगा एंड फिर सिर्फ भरनी तो नहीं हो सकता है क्योंकि लाइंस एंड फिगर्स तो हम लोग ड्रॉ करेंगे एंड तब जा करके हम लोग फीलिंग करेंगे। तो ये हमारा अभी फिनिशिंग पे है ट्रीज का पार्ट। अब ये फील हमने जैसे कर लिया है, अब लीफ का पार्ट होगा, उसको हम लोग कलर करेंगे, कौन सा कलर लेंगे ये हमें डिसाइड करना है। लीफ जैसे है तो मैं ग्रीन लूंगी, पैर उसके ऊपर बर्ड है उसको मैं कलरफुल लूंगी, तो ये कलरफुल बहुत ही ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट कलर का ये पेंटिंग हमारा बन करके तैयार होगा। ये हमने ट्री का पार्ट को फिनिश करा, तो ये बहुत ही पेशेंस के साथ, और इसका एक और ब्यूटी क्या है कि वी कांट डू एलोन, हम ना ग्रुप में बना सकते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे वर्क होते हैं इसमें, तो क्या होता है ना साथ में हमारा कंसंट्रेशन, बातें करते करते हम फील करेंगे एंड भरते जाएंगे बनाते जाएंगे, तो बहुत ही उसमें किसी को कुछ और आइडिया आएगा, समवन गिव यू सम आइडिया, न्यू आइडिया एंड देन विल पिक अप। तो इसका ये ब्यूटी है इस पेंटिंग का, हम लोग इस तरीके से करेंगे फीलिंग वर्क। हमारा ये हो गया है, अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब मैं अंदर का जो कलर हमने ऑलरेडी कर रखा है मैं उसका बताऊंगी, फिर आगे का मैं लूंगी, तो इसको हम लोग आज फिनिश करेंगे। अंदर का जो बैकग्राउंड है उसको हम लोग आज फिनिश करेंगे। हमारा ट्री का पार्ट हो गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो हमने ट्री में वर्नी वर्क का वर्क किया है, आप लोगों को दिख रहा है
किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? देखिए ट्री हमने इतना तक करा है, अब आगे का हम लोग इसका जो ब्रांच है उसको भी हम लोग सीधा सीधा हम लोगों का है उसको भी हम लोग फिल कर लेंगे। तो अभी हम लोग बैकग्राउंड का वर्क भी हम लोग करेंगे, इस पार्ट को भी हम लोग लेंगे। और किन्हीं के मन में कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न है, कुछ क्वेरीज है तो हम आप लोग पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम कंटिन्यू करें जो ड्राइंग है, कंटिन्यू दीदी जी, ठीक है सर। करें। हाँ जी दीदी, ठीक हाँ जी ठीक दीदी, कंटिन्यू कीजिए। ओके ठीक है। तो मैं अभी इसी ड्राइंग को मैं लेकर के चल रही हूँ एंड विल गोइंग टू कंटिन्यू। और आगे फिर हम लोग और न्यू ड्राइंग भी लेंगे साथ साथ इसके, बट अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करके फिनिश करेंगे एंड उसके बाद इसका बैकग्राउंड हम लोग आज पेंसिल वर्क है तो हम लोग इसका बैकग्राउंड को भी करेंगे निब से, बैकग्राउंड बेस को करेंगे निब से। अब हम लोग जो अभी कर रहे थे ये पार्ट को हम लोग फिनिश करेंगे, ये भी इसी से होगा। जस्ट वो हम लोग डिमार्केशन जो उस तरीके का सर्कल दे रहे थे अभी स्ट्रेट है, तो अब हम लोग इसी कलर से इस पार्ट को भी हम लोग फिनिश करेंगे। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक जी आ रही है। ठीक दीदी, जी, हाँ जी पूछिए। ये कागज में तो हम लोग कर ले रहे इतना आसानी से, कपड़े पे इतने आसानी से होगा? हाँ, कपड़े में बहुत बिना हम लोग फ्रेम फ्रेम के? लगा करके करते हैं ना क्लोथ पे, हम लोग अच्छा जैसे कपड़े पे आप वर्क कढ़ाई वर्क करते हो तो फ्रेम लगा करके करते हो ना, वैसे ही इसपे भी हाँ, कढ़ाई जब हम करते हैं तो फ्रेम लगा करके करते हैं तो कपड़े पे आराम से होगा, अच्छा तो उसमें भी ऐसी ड्रॉ कर ले। जैसे हम लोग हाँ कागज जी, में डायरेक्ट ड्रॉ किए कागज में, वैसे नहीं कपड़े पे भी उसमें क्या डायरेक्ट ड्रॉ होगा कि हम किए? लोग ट्रेसिंग, मैं वो भी टेक्निक बताऊंगी कैसे करते हैं कपड़े पे। कपड़े को ड्रॉ अच्छा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेसिंग पेपर पे फर्स्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं, अच्छा अब और वो या तो उसपे ट्रेसिंग पेपर पे या फिर कार्बन पेपर के ऊपर ड्रॉ करके कार्बन से करते हैं। ट्रेसिंग पेपर पे करते हैं तो ट्रेसिंग पेपर को फिर क्या करते हैं कि छोटा छोटा हम लोग होल बनाते हैं, डॉट डॉट हाँ उस पे होल बनाते हैं इससे सुई सेफ्टी पिन और किसी की सहायता से, और फिर हम लोग जी ट्रेसिंग करते हैं। तो ट्रेसिंग करने के लिए केरोसिन में हम लोग कोई भी कलर डालते हैं, ब्लैक, ये होता है ना नील, नील मालूम है, नील पाउडर। हाँ हाँ तो नील सूखा पाउडर को ड्राई हम लोग वाला। उसमें, हम लोग नील पाउडर को डाल देते हैं, और नील पाउडर को डाल करके और फिर हम लोग उसी को कॉटन की या क्लोथ की सहायता से हम उसके ऊपर ट्रेस कर देते हैं। ओके दिस इज द ट्रेसिंग टेक्निक जो मैं आपको बता रही हूँ, और फिर ट्रेस करने के बाद हम लोग इसको ड्राइंग को बनाते हैं। तो करने के लिए वो डायरेक्ट हम खाली इस पे ड्रॉ सिलिकॉन नहीं करेंगे, चाहिए? अगर किसी के हैंड में कमांड है करना चाहते हैं तो दैट इज डिफरेंट, बट अगर हाँ उस पे क्योंकि क्लोथ है अभी ना उस पे उसपे नहीं तो आता। बर्बाद हमें नहीं करना है ना, हाँ
इरेज कर सकते हैं, उस पे हम बार बार इरेज नहीं करेंगे, तो हाँ, और इसीलिए उसमें सिर्फ सिल्क में होगा, कॉटन में नहीं होगा क्या जी जी? सिल्क में सिर्फ होगा क्या? सिल्क पे होगा, कॉटन पे होगा, सभी पे होगा, कहीं पर भी आप जो जहां करना चाहते हैं आपके ओके, ऊपर है कि आप किस क्लोथ पे करना चाहेंगे। मैं सेमी सिल्क पे की थी, सिल्क एंड कॉटन जो मिक्स होता है ना, हाँ तो अभी मैं तो उस हाथ, पे की थी। अभी तो हाथ हम लोग का बैठा नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, पहले तो हम लोग पुराना पुराना कपड़े हमारे पास जो है उस पे करेंगे, हैंकी पे हाँ, करेंगे, एंड उसके बाद धीरे धीरे ऐसे नहीं ओके कि मैं। तो जी। हम लोग डायरेक्टली नहीं करेंगे, और छोटे छोटे चीजों पर पहले छोटे छोटे ड्राइंग हम लोग क्लोथ पे बनाएंगे। बड़ा भी बनाना ओके, है तो हम लोग ड्रॉ करेंगे पहले पेपर के ऊपर, पेपर से फिर ट्रेस करेंगे, ट्रेसिंग मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे। अगर मान लो नहीं करना है तो हम लोग फिर कार्बन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर वैसे नहीं करना है तो। ट्रेसिंग के ऊपर हमने ड्राइंग, ट्रेसिंग पेपर मिल जाएगा आपको किसी भी स्टेशनरी के शॉप में। हाँ और तो फिर मिल जाए। कार्बन को हम लोग जैसे एक एक दूसरे के ऊपर सेलो टेप से चिपकाएंगे साइज बढ़ाने के लिए, जितना बड़ा साइज है, और उससे भी हम लोग पेंसिल से भी ड्रॉ करेंगे, तो ओके, ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे मैं तो ट्रेसिंग पेपर पे बना करके रखती हूँ ड्राइंग, एंड मेरा बना हुआ रहता है वो, और सीधा उससे फिर ड्रॉ कर लेती हूँ, तो वो मेथड हम लोग को। जी क्या करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। और छोटा छोटा हम लोग पहले ड्राइंग बनाएंगे, ऐसे भी ड्रेस पे कपड़े पे बहुत बड़ा बड़ा ड्राइंग नहीं अच्छा लगता है, आंचल है जैसे उस पे बड़ा सा बनता है, लेकिन बेस पे छोटा छोटा बर्ड हो गया, छोटा फिश हो गया, इस तरीके से पूरे में लेते हैं। तो ये हमारे ट्री का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अंदर का ये वाला पार्ट को मैं बताऊंगी कि कैसे करना है जैसी, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए आज हमें या तो निप से करेंगे या फिर पेन से करेंगे, डिपेंड ऑन यू, आपको जैसे कंफर्टेबल लगेगा आप वैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसके पैटर्न को लेंगे। मैं सामने से स्क्रीन को कर दूंगी और उसके बाद हम लोग इसके डिजाइन को बनाएंगे स्पार्ट के लिए। तो पेन या फिर मार्कर, एज यू विश, जो भी जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं तो उस चीज से हम लोग करेंगे। जनरली क्या होता है कि पहले बॉर्डर तैयार करते हैं, फिर सारी ड्राइंग को तैयार करते हैं, बेस को हमने किया, अब उसके बाद बेस के ऊपर हम लोग इनके ड्रेस को भी हम लोग बना सकते हैं और हम लोग इसको भी बना सकते हैं। तो आप लोगों को जैसा कन्वीनियंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करेंगे। तो मैं आज इसके इस पार्ट को मैं एक एक बताती हूँ कि कैसे हम लोग ड्राइंग करेंगे। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मैं इसको आप लोगों को कंफर्टेबल स्क्रीन को मैं रख रही हूँ। अभी दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर दिख रहा है? तो जी दीदी, दिख रहा है। अब हम लोग इस डिजाइन को इसके साथ कैसे डिजाइन बनेगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो मैं अभी इसको निब से नहीं करके मैं पेन से भी कर रही हूँ थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए, बाद में मैं निब से करूंगी क्योंकि ये करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं डिजाइन बता दे रही हूँ और उसके बाद आगे का डिजाइन को लेंगे। तो अभी हम इसके लिए 3 नंबर पेन को यूज करेंगे, 2 या 3 नंबर पेन पेन का हम यूज करेंगे। इस पार्ट के लिए
कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने जैसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ हो गया, ये ड्रॉ हो गया, अगर देखती हूँ अगर प्राइम नंबर से ड्रॉ करके देखती हूँ, अगर वो डार्क ज्यादा है ना तो उससे भी कर सकते हैं। मैं एक बार ये देख रही हूँ कि ये डार्क आ रहे हैं क्या, फिर अंदर का हम लोग कर सकते हैं अगर हमें ज्यादा डार्क लेना हो। ये ड्रॉ करना किया हमने। अब मैं क्योंकि ये कलर है, कलर के ऊपर वाटर पेन थोड़ा डिफिकल्टी, तो मैं नीब पेन से ही कर रही हूँ, कलर के साथ ब्लैक कलर के साथ। तो फाइन लाइन वाला पतला वाला नीब पेन को मैं ले रही हूँ, बीच वाला, एकदम से पतला नहीं, ये 00 001 ले रही हूँ नंबर। और इस मार्कर से ये कलर किया हुआ है तो इससे मार्कर चलना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट नीट पेन आराम से इसके ऊपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमें। आई थिंक आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी नीट से करने में, मार्कर से मुश्किल है। अब इसको क्या करेंगे, अब अंदर से हम एक एक लाइन लेते हैं। अब यहाँ का लाइन, इस डिजाइन को हम लोग फॉलो करेंगे, जो भी हमने शेप बनाया है उस शेप को हम लोग फॉलो करेंगे और अंदर पूरा हम लोग फिलिंग ऐसे करते जाएंगे।
दीदी दी दिख रहा है? दीदी सुचित्रा जी, स्क्रीन पे आप ही का व्यू है। दीदी का तो आ हाइड हो जाएगा। गया। अच्छा, ओके आप मेरी ड्राइंग टाइप कीजिएगा तो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ओके ओके, आ गया आ गया। बस एक पैटर्न को लेके चलना है और उसको फॉलो करना है, डिजाइन को एज इट इज, और वो आपको बनता चला जाएगा।
हम उस पैटर्न को जैसे फॉलो करेंगे तो कोई डिजाइन बनता चला जाएगा एंड वो तैयार हो जाएगा। आई थिंक विजिबल होगा सभी को। जी दिख रहा है। इंक पेन को एक बार डीप करने से काफी टाइम तक हमारा रह जाता है, तो बहुत इजी है इंक पेन से करना कंपेयर टू मार्कर। मार्कर जस्ट हमारे हाथ पे कमांड नहीं रहता है तो हम लोग इसलिए करते हैं, अदरवाइज इंक पेन इज इजियर देन मार्कर। तो और उसके बाद फिर हम लोग अंदर का ड्राइंग लेंगे। सूखने का वेट करना बहुत जरूरी है, जल्दबाजी करेंगे तो जैसे ये मेरा हो गया मैसी होने का खतरा है, तो इसीलिए जल्दबाजी हम नहीं करेंगे। बैकग्राउंड इस पार्ट में ट्री के पास में जो थोड़ा बहुत दिख रहा है उस पार्ट को भी हम फिनिश कर लेंगे।
का ड्रॉ करेंगे, अंदर का आउटलाइन हम लोग इससे कंप्लीट करते जाएंगे। दीदी इसमें डिमार्केशन की जरूरत नहीं है ना? नहीं, इसमें नहीं जरूरी। इसमें आपका जो पैटर्न है ना, वो हमने जिस तरीके से किया है ड्रॉ, उससे आपका नेचुरली डिमार्केशन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम जो फिलिंग कर रहे हैं लाइंस ना, तो हम उस जी सर्कुलर ड्राइंग को फॉलो कर रहे हैं ना, तो नेचुरली हाँ आपका ड्राइंग को जब हम फॉलो करेंगे तो जो शेप है वो भर करके नेचुरली आ जाएगा, तो इसलिए इसमें जरूरत नहीं हाँ है। हाँ इम्पोर्टेंट ओके है कि हम जो ड्राइंग फॉलो कर रहे हैं उसका उसका पैटर्न को ध्यान देना है, और उसी से हमारे जी। दिमाग की तरफ। इसमें सिर्फ ब्लैक कलर ही करना है ना? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अंदर हमने बेस कलर कर दिया ना, ओके अब बेस कलर के बाद हम इस ड्राइंग को, सॉरी बहुत, मैंने यहाँ पे हल्का सा अभी ड्राई नहीं था और टच किया था, देखो उसे कैसे फेल हो गया। तो बहुत ध्यान देना है, मेरा ड्राइंग तो इसमें अगर गड़बड़ हो ऐसा गया। हो जाए तो क्या करना है दीदी? जैसे ऐसे हो गया तो यहाँ पे मैं कलर तो वेट करूंगी और कलर फिर से लगाऊंगी, और उस जगह पे फिर से मैं करूंगी, फिर से दोबारा सूखने के बाद ही करना होगा ना? सूखने के बाद ही करना होगा। बहुत ध्यान से सूखने का हमको वेट करना होगा, तो उस पार्ट को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, और सूख जाएगा तो ओके मैं दोबारा फिर से उसको ड्रॉ करूंगी और वहां पे कलर लगाऊंगी एंड फिर से उसको फिनिशिंग दूंगी। तो बहुत ध्यान से करना है इसीलिए, क्योंकि नहीं तो पूरा हमारा ड्राइंग इस तरीके से डैमेज हो जाएगा। शुरू में तो बहुत सिंपल लग रहा था पर अब तो बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है, हाँ नहीं, मगर अच्छा आगे आगे लग तो और भी है, लेकिन इसका क्या है ना, आपके हाथ से जितना कमांड होता जाएगा ना, रहा है। हाँ उतना आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा लग रहा था दीदी कि एक नया आर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरे इंजॉय करना शुरू करोगे इसको करने में। मधुबनी जनरली हम लोग सुनते हैं, बट ये करते इतना मतलब पेंटिंग जब हमारा कंप्लीट होता है तो इट्स लुकिंग डिफरेंट लुक आता है। बेसिकली जब वो लोग जो गांव के लोग करते थे तो वो जी, लोग क्या चीज से करते थे? जैसे कलर कलर जो वो बनाते थे, हल्दी से बनाते, राइस पाउडर से करते थे, काउ डंग से करते थे, फिर ब्लूबेरी, जो एक जंगल में एक देखी है प्लांट, एक फ्लावर आता, फ्रूट आता है पर्पल कलर का, अपराजिता नहीं, एक अपराजिता नहीं, एक छोटे 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 लोग खाते भी थे, वो पर्पल कलर का, ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी बोल रहे दीदी, जिसको इधर और इन की सारी चीजों भाषा से लोग कलर बनाते थे, में, अच्छा माने नेचुरल कलर। नेचुरल कलर। तब भी हमें उस चीज का भी ध्यान देना है कि हम बहुत ज्यादा मतलब जो ब्राइट कलर, जो नेचुरल कलर होता है, हमें अपनी पेंटिंग में भी उस चीज का ध्यान।
ध्यान देना होता है, क्योंकि ये फूल कार्ड है, नेचुरल कलर से हम बनाते थे, जैसे काउ डंग हो गया, मड हो गया, हल्दी हो गया, फिर अच्छा ये फ्लावर जैसे रोज हो गया। रोज तो उस समय नहीं होता था ज्यादा, ये हमारा फूल वगैरह जो आता है ना, ये बोगनविला, ये सब से हम कलर बनाते। अच्छा तो जनरली नेचुरल कलर से ही इनका तैयार होता है, इसके जो कलर्स होते थे, और नेचुरल पेपर भी हुआ करता था पहले, पेपर को गला करके नेचुरली ये लोग तैयार करते थे, या फिर मड के इस पे वॉल पे करते थे। तो ये पैटर्न जो आर्ट फॉर्म है इस तरीके से चलता था। तो एक्सपीरियंस थे, मैं अपने घर में बना करके लगाई, मेरे घर में जितने ड्राइंग्स है सब मेरे बने हुए, और मार्केट में इतना इसका इतना एक्सपेंसिव आता है, इसका है कि वन टाइम एक्सपेंडिचर है, हमने सारा सामान वगैरह पे किया कलर, और बाद में फिर धीरे धीरे उसी कलर से बनता है। इस पार्ट जैसे मेरा कलर लग गया तो मैं इस पार्ट को छोड़ दे रही हूँ आराम से, फिर मैं इसको फील करूंगी कलर जब ड्राई रहेगा, और उसके बाद फिर मैं इसका ड्राइंग को कंप्लीट करूंगी। इसका जो ड्राइंग है ये पैटर्न से डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि हम लोग का ड्राइंग क्या है, जो हमने पैटर्न लिया है उसके कारण हमारा डिफरेंशिएट कर रहा है कि क्या है। तो इसमें डबल लाइन की जरूरत है।
आजकल आज ये बैकग्राउंड का फिलिंग कंप्लीट कर रहे हैं। देख रहे हो कितना फाइन वर्क इसमें चलता है। फाइनली एक लाइन बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। थोड़ा सा भी अगर हमारा दिमाग पिक्सल गड़बड़ हुआ या लाइन थोड़ा सा भी गिरा या ड्राई नहीं है तो पूरा कलर हो जाएगा, हमारा पूरा पेंटिंग ऑयल हो सकता है। तो मैं तो मुझे क्योंकि कराना है तो मेरे पास आई हैव नो अदर स्किल्स, तो ठीक ही नहीं मैं अभी नहीं कराऊंगी, मैं हैव टू फॉलो। बहुत बार मेरा ड्राइंग क्योंकि सपोजिशन तो ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो अदरवाइज अगर पोजीशन चेंज करें तो इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट क्या होता है कि हम एक पोस्टर में बैठ करके हमें करना पड़ता है तो बहुत बार थोड़ी डिफिकल्टी आती है बताने में, बट इट्स ओके दिस इज माय वर्क सो आई हैव टू डू। आज का क्लास हम लोग यही ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से न्यू डिजाइन के साथ आएंगे, इस डिजाइन को फिनिश करेंगे एंड उसके न्यू ड्राइंग को लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।